जगदलपुर में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाने वाले सटोरियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है ये सटोरी कई वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर सट्टा चला रहे थे। बस्तर पुलिस द्वारा लगातार सटोरियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्यवाही में लगातार अवैध कारोबार करने वाले बड़े चेहरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा के ठोस कार्रवाई के निर्देश के बाद से ही बस्तर पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। कोतवाली पुलिस ने शहर के सबसे बड़े सट्टा माफिया को पकड़ा है। नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा आईपीएल मैच में सट्टेबाजी का काम किया जा रहा है, जिसके बाद उक्त स्थान पर दबिश देकर सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों की माने तो फिरोज खान उर्फ राजा के कई अवैध कारोबार चलते हैं। कई वर्षों से ये पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अवैध कार्य करता रहा है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि आईपीएल जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य जो है आईपीएल का मैच चल रहा है, और इस मैच पर जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो है सट्टा पर्ची जो है लेखन किया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू की जो टीम है वो रेड कार्रवाई होते रवाना हुई थी, और धर्मपुरा क्षेत्र में जो है दर्शित स्थल पर कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। फिरोज खान, मतीन सिद्दीकी और योगेश यादव, इनके द्वारा जो है गाड़ी में बैठकर वरना कार में बैठकर जो है आईपीएल में सट्टा पट्टी का जो है दाव लगाकर जो है सट्टा पट्टी लेखन किया जा रहा है, और इन्हें मौके पर जो है रंगे हाथों पकड़ा गया है। और इनके मौके पर 3 मोबाइल और साथ में जो है 40,250 रुपये एवं वरना कार को जो है इस मामले पर जब्त किया गया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।